वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एएलपी का जो सीबीटी थर्ड होने वाला है, जैसा कि आपको पता है सीबीटी टू में 8 गुना क्वालिफाई करेंगे, 8 गुना स्टूडेंट को पास करेंगे वो। और जो थर्ड टेस्ट होगा वो होगा साइको या एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा। साइको टेस्ट में किस तरह का पैटर्न रहेगा या क्या चीज होगी उसमें, ये सिर्फ एएलपी वाले स्टूडेंट के लिए है। और जो टेक्नीशियन जिन्होंने भरा है उनको डायरेक्ट इसमें उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल होगा, उनके लिए तीसरा एग्जाम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एएलपी जिन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट में फिल किया है उनके लिए जो तीसरा टेस्ट है वो होगा यहाँ पर, जो कौन सा है, साइको का टेस्ट है यहाँ पर। और इसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा ये मैंने आपको एक पीडीएफ के जरिए बताया भी था कि किस तरह के इसमें 5 टेस्ट होंगे। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको उन 500 टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर बताऊंगा मैं। तो देखिए पहला टेस्ट हमारा कौन सा होगा, इसमें पहला है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट यानी कि स्मृति परीक्षण होगा, स्मृति परीक्षण। और इसमें आगे 5 टाइप से हमें क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। स्मृति परीक्षण जो मेमोरी टेस्ट है इसमें आगे इसके 5 टाइप हैं क्वेश्चन को पूछने के, वो किस तरह से होंगे वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा कौन सा है, फॉलो डायरेक्शन, जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए होंगे, एक टेबल दी गई होगी हमें और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किसमें कितनी मिनट मिलेगी वो मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे सारा आज इस क्लास में, अपने एक एक एग्जाम्पल करवाएंगे आपको। तीसरा जो है वो कौन सा है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट या कंसंट्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट में हमारी ऑब्जर्वेशन जो क्षमता है उसको चेक किया जाता है, या कितना हमारी कंसंट्रेशन है, ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन टेस्ट, यानी कि एकाग्रता परीक्षण है ये। और जो चौथा टेस्ट है वो है डेप्थ परसेप्चुअल, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट यानी कि दूरी प्रत्यक्षीकरण। और एक टेस्ट और होगा इसमें पांचवा, वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा परसेप्चुअल, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट यानी कि प्रत्यक्षीकरण परीक्षण होगा, प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण होगा। और इनमें हर एक टेस्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो अभी अपने डिस्कस करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन पांचों टेस्ट में आपको हर एक टेस्ट में 42% आपको यहां पर जरूरी है पास करने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक में हम पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर रहे हैं और एक में हमारा 42% भी नहीं बन रहा। अब हम देखेंगे कि इनमें 42 के हिसाब से कितने कितने क्वेश्चन हमारे लिए रिक्वायर्ड है और हर एक टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा सकती है और कितने टाइप होंगे हर एक टेस्ट के, तो वो अपने इसमें डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो अब आप यहां पर डायग्राम देख सकते हो, जो पहला टेस्ट मैंने आपको बताया था कौन सा था, मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट में कुछ जो पहला टाइप है अपने यहां पर वो है इमारत से रिलेटेड। इमारत मतलब इसको बिल्डिंग टेस्ट भी बोला जाता है। तो आपके सामने यहां पर डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। फर्स्ट जो आपको इमेज याद रखनी होगी वो इस तरह का एक डायग्राम होगा जिसमें एक इमारत बनी हुई है और उस पर आप देख सकते हो, यहां पर देखिए पूरा डायग्राम देख सकते हैं आप। यहां पर एक इमारत बनी हुई है जिसमें झोंपड़ी की आपको शेप दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये हमें पैटर्न दिया होगा और इस पर आधारित 12 क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर क्वेश्चन जो आएंगे वो इसके कितने होंगे, 12-12 क्वेश्चनों के 2 सेट हमें मिलेंगे, ठीक है। मतलब कुल 24 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास यहां पर, अगर इस तरह से एक डायग्राम आता है। तो मैंने आपको बताया था मेमोरी टेस्ट में कुल 5 प्रकार की पॉसिबिलिटी है, उनमें से कौन सी संभावना है और कौन सी लगभग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो भी आपको बताएंगे आगे। तो देखिए इस तरह से हमें डायग्राम दिया होगा, इसको याद रखने के लिए हमारे पास 2 मिनट होंगे और अगली 2 मिनट में हमें इसके आंसर करने हैं। सबसे पहले 2 मिनट तक हमें यह डायग्राम दिखाया जाएगा वहां पर ऑनलाइन टेस्ट में। तो इसको हमें याद रखना है कैसे भी रिलेट करके। देखिए जैसे सबसे पहले ये दी गई है, यहाँ पर जो झोंपड़ी दी गई है इसमें आपको याद रखना है जो इसका एक गेट है और ये यहाँ पर खिड़की है, तो दोनों ही क्या है, एक तरह से ओपन है और इधर वाली साइड गेट है। फिर यहाँ आइए,
यहां आकृति याद रखनी है आपको, यहां पर गेट है जो बंद है, यहां पर खिड़की है। तीसरा, वृत्त के पास कुछ इस तरह की शेप है, उसमें देखिए झोपड़ी का जो ऊपर वाला पार्ट है यहां पर इसको छायादार बनाया गया है। फिर यहां पर जो बीच में वृत्त है इसमें देखिए यहां पर जो खिड़की है वो बंद है। इस तरह से हमें कैसे भी करके उसको रिलेट करना है और याद रखना है, इसकी एक इमेज अपने माइंड में कैप्चर रखनी है। फिर देखिए ये दो डायग्राम आप ध्यान से देखिए, जो इसकी छत है यहाँ पर, यहाँ पर एक रास्ता छोड़ा गया है ये देखिए यहाँ पर, तो एक तो ये याद रखना है आपको, और दूसरा देखिए बस इसमें बाईं तरफ है और यहाँ पर दाईं तरफ ये छोड़ा गया है, तो आपको इमेज यहाँ पर रखनी है कि इस लाइन के इधर वाली साइड तो ये बाईं ओर है, यहाँ पर दाईं ओर है। अब ये सारा हमें याद रखना है इस तरह से। फिर यहाँ इसको याद रखेंगे, झोंपड़ी में एक वृत्त है, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपने इसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये डायग्राम हमें 2 मिनट तक वहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा और उस 2 मिनट में हमें कैसे न कैसे इनको याद रखना है। कुल 12 क्वेश्चन होंगे और 2 सेट हमें मिलेंगे, मतलब 24 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 24 क्वेश्चनों के आप 42% निकाल लीजिए यहाँ पर कितना आएगा, और उतने क्वेश्चन हमें मिनिमम पासिंग मार्क के लिए करने होंगे। तो इस तरह से ये 2 मिनट के बाद वहां पर गायब हो जाएगा, फिर हमें ये आकृति दिखाई देगी और हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ये आकृति है वो इसमें कहां पर बनी हुई है। तो ये आकृति जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए आप कहां पर बनी हुई है, ये यहां पर बनी हुई है। अब इसकी जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये देखिए सी लिखा हुआ है, तो पहले का जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, इस झोंपड़ी में एक वृत्त है, तो हमने याद किया था कि जो झोंपड़ी है जिसमें वृत्त है वो लगभग यहां पर बनी हुई थी, तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर बी लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। फिर तीसरा देखिए, तीसरे में जो यहाँ पर जो गैप छोड़ा गया है वो दाईं ओर है, तो हमने याद कैसे रखा था, इस लाइन के जो इधर बाईं ओर है वहां पर तो बाईं ओर स्पेस है, दाईं ओर है वहां पर दाईं ओर है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। ये देखिए यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर ये सेम आकृति, इसमें यहाँ पर शेड दिखाई गई है, मान लीजिए यहाँ पर शेडिंग है, तो अब देखिए ये आकृति यहाँ पर बनी हुई है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कुल 12 क्वेश्चन होंगे एक सेट में या एक डायग्राम में, फिर आपके सामने अगला डायग्राम होगा और उसके बेस पर 12 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से जब एक सेट पूरा हो जाएगा तो हमें 1 मिनट उसमें एक ब्रेक टाइम भी दिया जाएगा। जैसे मान लो पहला टेस्ट है जो किसका था, मेमोरी टेस्ट था, तो उसमें जो इमारत है 5 टाइप के क्वेश्चनों में कोई भी एक टाइप हमें वहां पर दिया गया होगा, उसको करने के बाद हमारे पास 1 मिनट हमें रेस्ट दिया जाएगा। कुल 5 प्रकार की टेस्ट मैंने आपको बता दिए, जैसे इसमें 2-2 मिनट का हमें टाइम मिल गया, 2 मिनट में याद रखना है फिर उसको करना है, कर दिया हमने, दूसरा सेट होगा उसमें भी 2-2 मिनट मिलेंगे, 2 मिनट याद रखने के लिए, 2 मिनट आंसर करने के लिए। जब एक पहला टेस्ट पूरा हो जाएगा, मेमोरी टेस्ट है जो हमारा, तो उसके बाद हमें 1 मिनट का समय दिया जाएगा ताकि हम रेस्ट कर सकें, रिलैक्स हो सकें। उस 1 मिनट के बाद नेक्स्ट जो दूसरा टेस्ट है, जैसे कि फॉलो डायरेक्शन टेस्ट था या अपना था ऑब्जर्वेशन टेस्ट था, वो स्टार्ट हो जाएंगे, और उनमें किस तरह के होंगे। तो देखिए पहला टेस्ट तो हमने देख लिया कि इमारत परीक्षण, अब मेमोरी टाइप में जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, पिक्चर पिक्चर टेस्ट है। तो पहला था इसका ए टाइप था, इमारतें आपको दी गई होगी। दूसरा है बी टाइप है इसका, पिक्चर पिक्चर यानी कि चित्र दिया होगा और उसके सामने भी एक चित्र दिया होगा आपको, इसको बोला जाता है पिक्चर पिक्चर टेस्ट। इसमें क्या होगा वो आइए मैं आपको एग्जांपल बना के दिखा देता हूं यहां पर, और इसमें कितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको बताता हूं मैं यहां पर। तो अब आइए देखते हैं कि जब हमें 2 चित्र दिए गए होंगे पिक्चर पिक्चर टेस्ट में, इसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे, मतलब कुल 40 क्वेश्चन होंगे, 20-20 क्वेश्चनों के 2 सेट हमारे पास होंगे, और हर एक सेट को करने के लिए 3 और 3 6 मिनट का टाइम होगा। 3 मिनट में हमें उसको याद रखना है और अगली 3 मिनट में उसके आंसर करने हैं। जैसे पहला डायग्राम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस तरह की 20 आकृतियां वहां पर एग्जाम में होंगी और उस 3 मिनट में हमें इनको याद करना है और अगली 3 मिनट में उसके आंसर करने हैं। अब आपको एक आकृति यहां पर दिखाई दे रही है, देखिए हाथ जितना हो सकता है उतना सुंदर हमने यहां पर बनाया है। तब देखिए यहां पर एक टेलीफोन है, इसके सामने हाथ है जो कुछ इस तरह से है, इसकी शेप ये है। अब ये 3 मिनट तक रहेगा, अब उसके बाद ये आंसर सीट है हमारी, इसमें हमें सिलेक्ट करना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। मानिए यहां पर 4 हाथ बने हुए हैं, तो जो टेलीफोन था उसके सामने जो हाथ था वो किस तरह से था, देखिए
जो पहला डायग्राम है उसमें आपको हाथ कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो अंगूठा है वो इस तरफ है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमें देखना है कि जो अंगूठा है वो इस राइट साइड में होगा, वो हमारा आंसर सही होगा। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है उसमें जो अंगुलियां हैं उनके बीच में तीन लाइनें बना दी गई हैं यहां पर, तो ये हमें बहुत क्लीन ऑब्जर्वेशन रखनी है वहां पर कि इस तरह से नहीं था, बिल्कुल इस तरह से था, राइट साइड में अंगूठा था और बीच में कोई लाइनिंग नहीं थी, तो दोनों ऑप्शन हमारे गलत हैं यहां पर। जो तीसरा ऑप्शन होगा उसमें इस तरह से हाथ होगा, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो पिक्चर पिक्चर टेस्ट में इस तरह से हमें करना है, और 20 और 20 40 क्वेश्चन होंगे और 3-3 मिनट हमें उसमें दिए जाएंगे। अब आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं बोर्ड पर, देखिए क्लियरली डायग्राम बनाना इनका पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूं मैं। अब जो आपको डायग्राम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें देखिए एक व्यक्ति खड़ा है और उसके साइड में एक एरोप्लेन है और एक गुलाब का फूल है, दो डायग्राम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब वो व्यक्ति है उसके खड़ने का स्टाइल किस तरह से, आगे आपको इसमें यहाँ पर ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरह से वो खड़ा है हमें ये क्लीन ऑब्जर्वेशन करना है, बहुत ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है इसमें कि किस तरह से खड़ा है, तो हमारा आंसर उसके हिसाब से ही हमें सिलेक्ट करना होगा कि जो व्यक्ति है उसमें कुछ इस तरह से वो खड़ा है, उसके हाथ है वो पॉकेट में है, तो हमें वो चीजें इसमें ध्यान रखनी है। और आगे के कुछ डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें देखिए काफी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे जो पहला है उसमें एक जीप बनी हुई है, फिर आपको एक झंडा दिखाई दे रहा है, फिर एक जो छाता है उसके सामने जो वकील है उनकी टाई का निशान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, फिर एक फ्रॉक है उसके सामने बतख है, और एक फुटबॉल के सामने कुकर आपको दिखाई दे रहा है, फिर एक स्टार बना हुआ है, चांद बना हुआ है, फिर एक डॉगी और पंखा बना हुआ है, तो हमें किसी न किसी तरह से हमें उसको रिलेट करना है कि जो कुत्ता है वो हवा ले रहा है पंखे से, या जो वकील है उसने छाता ले रखा है, या जो आरी है वो जीप में पड़ी है, या जो झंडा है झंडे के सामने ग्लोब है, इस तरह से हमें इनको याद करना होगा। और जैसे चारपाई है उसके आगे मुर्गा दिखाई दे रहा है आपको, जो मुर्गा है वो चारपाई पे बैठा है, तो किसी तरह से हमें रिलेट करके उनको याद रखना होगा 3 मिनट में, फिर 3 मिनट में उनके आंसर करने होंगे। अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं कि मेमोरी टेस्ट में तीसरा प्रकार कौन सा होगा। अब मेमोरी टेस्ट में हमारा तीसरा टाइप है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ट्रैक पर आधारित हमारे पास एक डायग्राम दिया गया होगा, उस पर आधारित हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जो एक ट्रैक हमें दिया जाएगा इसकी बहुत ज्यादा संभावना है ट्रैक मेमोरी टेस्ट के आने की, और लास्ट जो एएलपी का हुआ था जिसमें ऑफलाइन हुआ था, इस बार ऑनलाइन हो रहा है, तो थोड़ा पैटर्न का यहाँ पर सिस्टम पता नहीं चल रहा है। और एक बात और देखिए, कमेंट्स आए थे स्टूडेंट के कि पेन और पेपर दिया जाएगा क्या, तो वो वहां पर आपको नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, पेन पेपर नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ट्रैक मेमोरी टेस्ट में हमारे पास 12-12 क्वेश्चनों के 2 सेट होंगे, मतलब कुल 24 क्वेश्चन हमसे वहां पर पूछे जाएंगे, 12-12 क्वेश्चन हर एक सेट में होंगे। इस तरह का एक डायग्राम दिया गया होगा, इस पर आधारित हमसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं अभी। 12-12 क्वेश्चनों को करने के लिए, हर एक को करने के लिए हमारे पास 4 मिनट होंगे, 4 मिनट इसके लिए और 4 मिनट दूसरे सेट के लिए होंगे। इस 4 मिनट में 2 मिनट हमें इसको डायग्राम को याद रखना होगा और 2 मिनट में उसके आंसर करने होंगे। इसी तरह से दूसरा सेट है उसके लिए भी 2-2 मिनट होंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, सबसे पहले आपको 2 मिनट तक ये डायग्राम वहां पर दिखाई देगा जिसको हमें याद रखना है। कैसे करना है देखिए, ये एक ट्रेन है उसका एक ट्रैक दिया गया है जहां पर स्टेशनों के नाम है, जैसे सबसे पहले GYA, फिर MGL, KN कर्नाटका, आप कैसे भी याद रख सकते हैं उसको, LKN लखनऊ से, यहां पर VAN वाराणसी, ALB इलाहाबाद, DNB है NAH, फिर यहां पर कोलकाता, पटना, रांची, मुंबई, जैसे ये MUB लिखा है यहां पर। तो हमें किसी भी तरह से इसको याद रखना है 2 मिनट में। आप ऐसे भी कर सकते हो, गया MGL से कोई नाम बना लीजिए आप, जैसे भी आपको कोई भी शहर का नाम याद हो अपना, फिर कर्नाटक, फिर बीच में आ गया लखनऊ, फिर देखिए वाराणसी इलाहाबाद से डिब्रूगढ़ होते हुए, ये कुछ भी NAH आप याद रखेंगे। इसी तरह से इन तीनों को हमें याद रखना है, फिर 2 मिनट के बाद ये डायग्राम गायब हो जाएगा और ये डायग्राम हमें इसी तरह से दिखाई देगा कुछ इस तरह। इस पर लिखा हुआ है देखिए ABCD लिखे हुए हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे वो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया होगा कि KOL लिखा है,
मतलब कोलकाता, इसका स्टेशन कहाँ था? तो हमें पता है कि कोलकाता जो था तीसरी लाइन में सबसे पहले था, तीसरी जो लाइन थी उसमें सबसे पहले जो था वो KOL यानी कि कोलकाता का जो स्टेशन था वो था। तो यहां पर इसकी जगह क्या लिखा है, ए। तो हमारा जो इसका पहले का आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां पर ए इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए PTN पटना, तो पटना कहां था, पटना कोलकाता के आगे था, यहां पर था। तो इसका हमारा राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, पटना का इसका दूसरे का क्या हो जाएगा, बी। तीसरा लिखा है MGL, तो ध्यान से देखिए MGL कहां पर है, यहां पर है, पर हमें तो याद रखना होगा, तो MGL यहां पर था और यहां पर क्या लिखा है, बी। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा देखिए KAN कर्नाटक, कर्नाटक में यहां पर लिखा है KAN, तो ये कहां पर है, देखिए पहली लाइन है यहां पर ई, ई किस गए कुछ मान लीजिए डी है या जो भी है वो कोई मतलब नहीं है, यहां पर जैसे ए लिखा है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। तो इस तरह से हमें वहां पर इनके आंसर करने हैं, हमें स्टेशनों के नाम याद रखने हैं, फिर उनकी जगह यहां पर क्या लिखा गया है वो हमें आंसर करना है, और 12-12 क्वेश्चनों के इसमें दो सेट आएंगे। अब देखते हैं मेमोरी टेस्ट का चौथा टाइप है वो किस तरह से होगा। ये चौथा टेस्ट है हमारे पास मेमोरी टेस्ट में है पिक्चर नंबर टेस्ट। जो दूसरा था वो क्या था, पिक्चर टेस्ट था, एक चित्र था उसके सामने एक चित्र दूसरा दिया गया था। अब देखिए एक डायग्राम दिया गया होगा उसके सामने एक नंबर लिखा होगा और वो हमें याद रखना है। इस टाइप का अगर टेस्ट हमसे पूछ लिया जाता है तो इसके क्वेश्चन आएंगे 20-20 क्वेश्चनों का सेट आएगा यहां पर, सॉरी 21-21 क्वेश्चन आएंगे, 21-21 क्वेश्चनों के जो सेट आएंगे यहां पर कुल क्वेश्चन कितने हो गए 42 क्वेश्चन, और इसका आप 42% निकालकर देख सकते हो कि कितना हमें जरूरी करना है, तो वो आप देख सकते हो। और इसको करने के लिए हमें हर एक सेट को करने के लिए 3-3 मिनट का समय मिलेगा। पहले सेट को करने के लिए 3 मिनट हमें उसमें याद रखना होगा और अगले 3 मिनट में उसको सोल्व करना होगा। इसी तरह से दूसरा जो सेट होगा उसके लिए भी 3-3 मिनट का समय मिलेगा। अब क्वेश्चन देखिए किस तरह से वो यहां पर दिया गया होगा वो देखिए। अब आपको एक डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहा है, पहला यहां पर एक पेन है, पेन के सामने लिखा है 12 और एक टेलीफोन है उसके सामने 89 लिखा है। इस तरह से आपको यहां पर 21 क्वेश्चन दिखाई दिए गए होंगे, एक डायग्राम होगा पूरा उसमें 21 इस तरह से आकृतियां होंगी और उनके सामने नंबर होंगे, हमें उनको याद रखना होगा और 3 मिनट के बाद ये गायब हो जाएगा और अगली 3 मिनट में हमारे पास इस तरह से हमें आंसर करना होगा, तो उसकी सीट हमारे पास सामने होगी। अब देखिए टेलीफोन के सामने कितना था, हमने इसको याद कर लिया, पेन है वो 12 रुपए का है और टेलीफोन है कुछ ज्यादा रुपए का, 89 का है, तो टेलीफोन का 89 रुपीज है, तो ये देखिए बी इसका राइट आंसर होगा यहां पर। तो पहले का पहला जो क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि जो यहां पर पेन है, पेन का क्या था 12, तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी तरह से हमारे पास 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन होंगे इसके। अब देखिए आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं यहां पर, जैसे कि साइकिल के सामने लिखा है कि 38 लिखा है, और जो अम्ब्रेला है छाता है उसके सामने 72 लिखा है, ट्रॉफी के सामने 83 लिखा है, और जो प्लेन है उसके सामने 35 लिखा है, और जो मकड़ी है उसके सामने 44 लिखा है, टेलीफोन के सामने 29 है, और जो लाउड स्पीकर है उसके सामने 40 लिखा है, कैंची वगैरह इसी तरह से बहुत आकृतियां बनी हुई है, हमें किसी तरह से उनको याद रखना होगा। और ज्यादा इनको कैसे याद रखना है वो अपने आगे जब सिलेबस करेंगे इनका, आज की वीडियो में इतना ही बता रहा हूं कि एग्जांपल बता रहा हूं आपको सिर्फ किस तरह से टेस्ट होंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद अपने इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने यहां पर दिखाई दे रहा है आपको 21-21 क्वेश्चनों के दो सेट होंगे, ये इसका था चौथा टाइप जिसमें पिक्चर और नंबर दिए गए हैं। अब अपने करेंगे पांचवा टेस्ट, जो देखिए मेमोरी टेस्ट में जो अगला टाइप है वो होता है एसोसिएशन टेस्ट। आपको यहां पर पिक्चर दिखाई दे रही है बोर्ड पर, इसमें देखिए कुछ इस तरह की आकृति बनी हुई है, जो पहली ऊपर यहां पर फिल किया गया है, उसके बाद यहां पर ये खाली है और यहां पर ये फिल की गई है, खाली है सॉरी। तो इस तरह से कुछ यहां पर डायग्राम होंगे और 12-12 क्वेश्चनों के दो सेट होंगे हमारे पास। दोनों सेट में कितने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, यहां पर 12 क्वेश्चन हो जाएंगे और इनको करने के लिए हमारे पास 2-2 मिनट होंगे, 2 मिनट में याद रखना है और अगली 2 मिनट में इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये 5 टेस्ट हैं, और ज्यादा संभावना जिसमें मैंने 21 क्वेश्चन बताए थे पिक्चर नंबर टेस्ट, पिक्चर नंबर एक तो चित्र वाला है और दूसरा है जो ट्रैक आधारित है, तो इन दोनों की बहुत ज्यादा संभावना है यहां पर आने की।
तो इन पांचों में से कोई एक टाइप वहां पर आपसे पूछा जाएगा, और सभी शिफ्टों में जो एक पहली शिफ्ट में जो पैटर्न आ चुका है वही अगली शिफ्ट में आएगा, तो इनके लिए आप जरूर अपडेट रहे वहां पर। उसके बाद अपने करते हैं फॉलो डायरेक्शन टेस्ट। दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, पहला था मेमोरी और दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन या दिशा निर्देश। इसमें क्या होगा देखिए, हमारे पास 10-10 क्वेश्चन के दो सेट होंगे और हर एक को करने के लिए 5 मिनट का हमारे पास समय होगा, 5-5 मिनट होंगे, तो कुल हमारे पास कितने होंगे 20 क्वेश्चनों का ये होगा। और ये ए टाइप बता रहा हूं पहला मैं, और जो दूसरा टाइप है वो घड़ी का है, वो किस तरह से होगा बताऊंगा आपको। तो पहला देखिए, एक जो बॉक्स है वो इस तरह से दिया गया होगा हमें, 5 इसमें स्तंभ होंगे और 5 इसकी पंक्तियां होंगी, ठीक है। इनमें कुछ ये लेटर यहां पर लिखे गए हैं। जो पहला टेस्ट देखा था उसको याद रखना पड़ेगा हमें, बहुत वो काफी हार्ड है, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरे में देखिए ये हमें दिखाई देगा वहां पर, इसके बाद क्या होगा, एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्तंभ 4 के नीचे, जो स्तंभ 4 है कौन सा है स्तंभ, ये रो है, ये इनके कॉलम है, तो कॉलम 4 के नीचे आइए और पंक्ति 4 के सामने, कॉलम 4 और पंक्ति 4 के जब सामने यहां से यहां आएंगे और ये यहां पर आएगा तो कौन सा है डी। अब क्या पूछ रहा है के सामने अक्षर के बाएं तीसरा जो डी है, ये डी यहां पर कहां पर है देखिए, चौथे कॉलम में है और चौथी रो में है, इस अक्षर के बाएं तीसरा कौन सा हो जाएगा, बाएं साइड इधर है, तो 1 2 3 तो सी इसका हमारा राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरह से यहां पर कुल कितने क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे और 5 मिनट में हमें करना है एक बॉक्स को, फिर आपको अगला बॉक्स दिखाई देगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे 5 मिनट में आपको करना होगा। अब देखिए और क्वेश्चन किस तरह से आ जाएगा, किस तरह से भी दे सकता है आपको, जैसे कि कॉलम नंबर 2 है और जो पंक्ति है वो तीसरी है, तो कौन सा आ जाएगा सी आएगा यहां पर, कॉलम दूसरा और पंक्ति तीसरी, इस सी के ऊपर कौन सा अक्षर है जस्ट ऊपर, तो ऊपर कौन सा है बी आ जाएगा। अगर हमें दाएं दूसरा पूछ रहा है तो दाएं दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से वो इनमें कुल 10 क्वेश्चन दिए गए होंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और 5 मिनट में इनको करना होगा। अब देखिए इसका फॉलोइंग डायरेक्शन का दूसरा टाइप है, घड़ी के आधार पर क्वेश्चन होंगे, वो किस तरह से होते हैं आइए देखते हैं। तो अगला है फॉलोइंग डायरेक्शन का, जो पहला आपने देख लिया, दूसरा है घड़ी। घड़ी हमें एक एग्जांपल दिया गया होगा, वहां पर एक डायग्राम दिया गया होगा और उस पर आधारित हमसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी कुल कितने सेट हो जाएंगे, 2 सेट होंगे, मतलब 2 घड़ी होगी वहां पर। पहले सेट में या पहली जो घड़ी आपको दिखाई देगी वहां पर देखिए इस तरह से, एक तो उसमें इंग्लिश लेटर लिखा होगा, जैसे जी लिखा है, क्यू लिखा है, और उसके सामने एक अंक लिखा होगा, ठीक है। कुल ये 8 होंगे, जैसे यहां पर C2 लिखा है, D1, P5, N3, G1, Q2, M4 और T3, ठीक है। यहां पर इनकी दिशा दी गई है, इन पर आधारित क्वेश्चन कैसे होंगे वो अपने अभी देखेंगे। तो 2 सेट होंगे, हर एक सेट में 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो कुल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास यहां पर 20 क्वेश्चन हो गए, और हर एक को करने के लिए हमारे पास 5-5 मिनट का समय होगा। तो कुल 10 मिनट के समय में हमें इन 20 क्वेश्चनों को करना होगा, और इनके 42% आप वहां पर देख सकते हो। और घड़ी का क्वेश्चन जो है वो पिछली जो एग्जाम हुआ था साइको का, उसमें आ चुका है, घड़ी का आया था और एक ट्रैक का आया था और एक पिक्चर नंबर टेस्ट आया था, जो मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं इनके क्वेश्चन किस तरह से होंगे। क्वेश्चन पहला आपको दिखाई दे रहा है, D1 को Q2 से बदलने पर, D1 कहां है, ये रहा D1, इसको Q2 से अगर बदल दें तो उत्तर में कौन सा अंक होगा, उत्तर दिशा यहां पर पूछी गई है। तो Q1 को D2 से बदल दें इससे, D1 से, तो Q2 आ जाएगा यहां पर आ जाएगा। तो अब देखिए उत्तर दिशा में यहां पर कौन आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, और यहां पर अंक कौन सा है 2, तो इसका पहले का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल देख लीजिए, P5 और M4 को आपस में बदल दें, P5 और M4 को अगर बदल दें अपने, तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर पश्चिम में कौन सा अंक होगा, उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी वो हो जाएगी। जैसे अगर उत्तर पूर्व बोल रहा है तो उत्तर पूर्व मतलब यहां पर हो जाएगी, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा अंक आ जाएगा जब इनको बदल देंगे, तो यहां पर M4 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर अंक कौन सा हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, G1 से M4 तक हमें जाना है घड़ी की उल्टी दिशा में, G1 ये रहा
M4 ये रहा, इसकी उल्टी दिशा में अगर जा रहे हैं तो जो M4 है चलने पर कौन सा अंक होगा, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या हमसे कहा जा सकता है कि घड़ी की दिशा में चलना है और जो उसके बाद जो अंक आ रहा है वो कौन सा है, जैसे 3 है यहां पर। तो इस तरह के 10 क्वेश्चन वहां पर दिए गए होंगे आपको और 5 मिनट में आपको सोल्व करना होगा। तो ये है घड़ी का परीक्षण। तीसरा उसके बाद अपने देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेस्ट, यानी कि एकाग्रता परीक्षण या कंसंट्रेशन टेस्ट। तो आइए तीसरा टेस्ट देखते हैं, ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन टेस्ट। इन दोनों को मैं एक ही बोल रहा हूं क्योंकि इनमें जो क्वेश्चनों का टाइप होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन मतलब इसमें हमारी एकाग्रता देखी जाती है। तो पहला इसका जो पैटर्न है वो देखिए, सेम फिगर टेस्ट, हमें समान आकृति पहचाननी है और बेसिकली ये रीजनिंग ही है। रीजनिंग में हम देखते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि एक जो आकृति दी है वो इनमें से किसके बराबर है या सेम है, समान है। तो देखिए यहां पर इस तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा कि ये जो आकृति है इन चारों ऑप्शनों में से किसके बिल्कुल एक जैसी है। तो यहां से इसको अगर देखें तो हमें पता चल रहा है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत सिंपल सिंपल यहां पर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, पर इसमें देखिए आपको स्पीड बहुत ज्यादा रखनी होगी। बेहतर क्वेश्चन दिए गए होंगे वहां पर इस तरह के, और टाइम इनको करने के लिए होगा 4 मिनट का समय होगा आपके पास। तो देखिए पहले जो हमने दो टाइप किए थे उनमें तो हमें बहुत ज्यादा याद रखना होगा कि किसके सामने क्या आकृति दी गई है, पर आगे के जो तीन टाइप हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, उसके बाद डेप्थ परसेप्शन है और एक परसेप्चुअल स्पीड है, उसमें हमें याद नहीं रखना है डायग्रामों को कि किसमें कहां क्या था। जो पहले टाइप थे उनमें हमें याद रखना था, तो उनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा करिए। और इनमें हमें स्पीड बनानी होगी कि सिर्फ 4 मिनट में हमें बेहतर क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होगा, जल्दी से देखते ही हमें टिक करना है कि इसका राइट आंसर बी है। तो इस तरह से कुल 72 क्वेश्चन होंगे और 4 मिनट में इनको सोल्व करना होगा। फिर देखिए ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन टेस्ट में 3 टाइप से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो किस तरह से होंगे अब आइए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन या एकाग्रता में तीसरा और चौथा टाइप किस तरह से। दूसरा टाइप देखिए, नंबर मैचिंग का सिस्टम आएगा वहां पर, नंबर हमें देखते ही मैच करना होगा कि कौन सा इसका नंबर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह से हमारे पास वहां पर ऑप्शन होंगे हाँ या ना, यस और नो। देखिए नंबर को देखते ही हमें जस्ट वहां पर माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जल्दी से ऑब्जर्व कर रहा है कि ये बराबर है या नहीं है, अगर है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और वरना ना हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें बहुत ज्यादा स्पीड से हमें करना होगा और इसके कुल 96 क्वेश्चन आएंगे, 96 क्वेश्चन, और सिर्फ 4 मिनट में हमें इनको करना होगा, 4 मिनट में इनको फास्ट बहुत ज्यादा करना होगा। देखिए जो लास्ट 3 मैं आपको बता रहा हूं उनको हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, स्पीड बहुत हाई रखनी है ताकि हमारे 96 में से 96 हम कवर कर पाए, इनमें से हमें नहीं छोड़ना है। जो पहला जो टाइप है उसमें तो हमें हो सकता है कि याद रहे ना रहे, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे सामने पर्सन होगा और हमें यस और नो जल्दी से करना होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें बिल्कुल भी, 96 क्वेश्चनों को 4 मिनट में करना है। फिर जो अगला जो टाइप है मतलब 6 का अंक और 9 का अंक हमें ढूंढना है कि किस ऑप्शन में 6 का अंक है। जैसे आपको यहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है इसमें 6 का अंक नहीं है यहां पर, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, पर चौथे में ये 6 का अंक यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से हमें दे दिया जाएगा कि आपको 9 का अंक ढूंढना है कि 9 किसमें है, जैसे 9 अगर देखें तो इसमें है यहां पर 9, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और अगर इन दोनों पैटर्न में से कोई एक पैटर्न आता है तो इनके 75 क्वेश्चन आएंगे यहां पर और हमारे पास समय होगा 4 मिनट में हमें इसको करना होगा। अगर देखिए जो 6 है वो एक से ज्यादा ऑप्शन में है, मान लीजिए यहां भी 6 है तो ए में और डी दोनों में 6 है, तो इस कंडीशन में वहां पर एक ऑप्शन और हो जाएगा ई ऑप्शन होगा वहां पर, ई हमें सिलेक्ट करना है कि एक से ज्यादा में हो, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। तो इस तरह से 75 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, आप देख सकते हो कि इनका 42% कितना होगा। नेक्स्ट टेस्ट देखिए आप, डेप्थ परसेप्शन या दूरी प्रत्यक्षीकरण का टेस्ट है ये, दूरी प्रत्यक्षीकरण। इसमें देखिए क्या होता है, हमारे पास इसको बोला जाता है, इसका जो टाइप है वो है एंट परीक्षण या इसको ब्रिक टेस्ट बोला जाता है, ब्रिक टेस्ट या एंट परीक्षण बोला जाता है।
और इस तरह से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि कितने आएंगे। इस तरह से हमारे पास 10 बॉक्स या जो आपको गन दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से 10 क्वेश्चन होंगे हमारे पास और हर एक में 5 क्वेश्चन होंगे, तो कुल यहां पर 50 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और इन 50 क्वेश्चनों को हमें सिर्फ 5 मिनट में सोल्व करना है, 5 मिनट में सोल्व करना होगा। और इनका 42% आप देख सकते हो कितना हो जाएगा यहां पर, 21 क्वेश्चन इसमें हमें मिनिमम सही करने होंगे। देखिए किसी भी टेस्ट में अगर हम 42% से कम करते हैं तो कोई आपको उस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, क्लियर नहीं माना जाएगा। हर एक टेस्ट में हमें 42% तो मिनिमम करना ही है अचीवमेंट। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपको यहां पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो भी लाइनें यहां पर दिखाई दे रही है वो एक तरह की ईंटें हैं। यहां पर देखिए यहां पर एक लाइन दिखाई दे रही है इतनी, तो ये इस तरह से एक ईंट है यहां पर, और यहां पर नीचे देखिए इस पूरे बॉक्स के अंदर एक लाइन आ चुकी है, तो मतलब ये दो ईंटें हैं इस तरह से रखी गई है, दोनों को जोड़ा गया है। इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है उनकी क्लासें आगे हम जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया गया होगा और हमें बताना है जो ए ईंट है उसके वो कितने को टच कर रही है, बी सी डी और ई। तो इस तरह से हर एक में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और 10 बॉक्स हमारे पास वहां पर होंगे, तो कुल क्वेश्चन हो जाएंगे 50। अब हमें पता लगाना है कि जो ए ईंट है वो कितनी ईंटों को टच कर रही है यहां पर। तो देखिए ए ईंट है वो यहां पर है, ये है एंट, ये कितनों को टच कर रही है ध्यान से देखिए, इसको टच कर रही है बी को, सी को कर रही है दो, फिर दो इनको भी टच कर रही है यहां पर इन दोनों को, फिर इसको टच कर रही है और इसको भी, इसका किनारा टच कर रहा है, तो 3, 4, 5 और 6 हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो बी इंट है वो कितनों को टच कर रही है ध्यान से देखिए, जो कितनी ईंटें हो जाएगी, जो बी ईंट है वो इस तरह से है पूरी लंबाई में है यहां तक, तो ये दो नीचे वाली ईंटें इनको भी ये टच करेगी, इन दोनों ईंटों पर टिकी हुई है ये, फिर ए को टच कर रही है, सी को कर रही है और इसको भी कर रही है, तो यहां पर 1, 2, 3 और दो ईंटें ये हो जाएंगी। ये ईंट कौन सी है, ये ई ईंट ही है यहां पर, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमें देखना है सी कितनों को टच कर रही है, डी और ई सभी का पता लगाना है कि कितने कितने ईंटों को ये टच कर रही है। जैसे अगर अपने डी के लिए देखें तो जो डी ईंट है वो कहां तक है, ये है वो डी ईंट है यहां पर, ये देखिए ये ईंट है वो डी है यहां पर इतनी, तो ये किसको टच कर रही है यहां पर, इन दोनों को कर रही है, फिर ऊपर वाली ईंट को, फिर ए और बी को भी टच कर रही है। तो इस तरह से हमें इनके आंसर करने होंगे। नेक्स्ट अपने टेस्ट देखते हैं, डेप्थ परसेप्चुअल हो गया है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट तो अगला टेस्ट है और पांचवा और लास्ट टेस्ट है हमारा परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट यानी कि प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे आइए वो देखते हैं इनको डिटेल में कि किस तरह से इनमें यहां पर क्वेश्चन बनाए गए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण में किस तरह से क्वेश्चन होंगे आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं और अच्छे से आपको दिखाई दे, इसके लिए आपको फोटो भी दिखाई दे रही है बोर्ड पर। तो यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन होगा इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और यहां पर कुल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी इस तरह से। देखिए पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, किस तरह से है, ए में आपको यहां पर सेव दिया गया है, 4 यहां पर डायग्राम बने होंगे, यहां पर क्लियर नहीं है, आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं वहां पर। अब जो ए टाइप है वो बिल्कुल सेम मैच है, वो किससे हो रहा है देखिए, जैसे कि मान लीजिए इससे हो रहा है, ए से हो रहा है, या जो इस तरह की आकृति है मान लीजिए इस तरह की यहां पर बनी हुई है 4 नंबर पर, इस तरह से यहां पर बनी हुई है इस तरह से, तो हमें वहां पर बताना है कि ए है वो किससे मैच हो रहा है, ए से, तो जो ए है इसका हमारा राइट आंसर जो ए होगा वो हो जाएगा यहां पर। इसी तरह से जो बी है वो किससे मैच हो रहा है, डी से मैच हो रहा है, तो जो बी है उसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन में देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और कुल इस तरह से 18 क्वेश्चन वहां पर होंगे, तो 18 क्वेश्चनों के हिसाब से अगर करें अपने तो कुल 72 क्वेश्चन हो जाएंगे और इनको हमें करना है 6 मिनट में,
छह मिनट इनको करने के लिए होंगे। हमें जल्दी से देखना है कि ये किससे ज्यादा मैच्योर है और वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये किससे मैच्योर है, तो कुल 18 क्वेश्चन यानी कि 72 टोटल और 6 मिनट में हमें करने होंगे। फिर इसी का एक अगला टाइप है कि सेम फिगर टेस्ट, समान आकृति, सिमिलरिटी देखनी है। इस टाइप का मैंने एक आपको पहले भी बताया था कि समान आकृति का एक हम कर चुके हैं कि जो लास्ट टाइप देखा था हमने उसमें था कि हमें समान आकृति पहचाननी थी कि कौन सी है। तो इसमें जो लास्ट है वो है समान आकृति का और इसमें कुल क्वेश्चन कितने आ जाएंगे, 96 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 96, और 4 मिनट में हमें इनको सॉल्व करना होगा। इनमें कुछ भी नहीं है, आपको यहां पर बोर्ड पर इमेज दिखाई दे रही है, जो फर्स्ट एक डायग्राम दिखाई दे रहा है उसको हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा है, और 96 क्वेश्चन वहां पर हमारे पास होंगे, जल्दी से सॉल्व करना है इनको। तो आपने इस पूरे में आज देखा कि जो शुरू वाले दो टेस्ट हैं उनमें सिर्फ हमें बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, याद रखना होगा, क्विक याद रखना होगा, और जो बाकी के टेस्ट हैं उनको हमें, उनमें हमें स्पीड ज्यादा चाहिए, और शुरू वाले टेस्टों में हमारी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए और बाकी के टेस्ट में हमें स्पीड चाहिए। अब इस वीडियो के बाद अपने जो ब्रिक, जैसे ब्रिक वाले क्वेश्चन है उनको भी आगे सोल्व करवाएंगे, इनकी आगे क्लासेस चलाएंगे अपने। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। तो इतने टाइप थे, साइको में 5 टेस्ट होंगे, 500 में हमें 42% हर एक में अपने को वहां पर इनके करना होगा। और देखिए क्वेश्चनों की कोई संख्या डिसाइडेड नहीं है इसमें, जैसे मैंने मेमोरी टेस्ट था उसके मैंने आपको 4 से 5 टाइप बताए, उनमें से अगर कोई सा भी टाइप आता है तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे वहां पर। ऐसा नहीं है कि 96 हैं जो इस तरह के हैं तो 96 आएंगे और दूसरा जो मैंने आपको टाइप बताया है उसके भी 96 आएंगे, ऐसा नहीं है, उसके बेहतर ही क्वेश्चन आएंगे, 18 चौके 72 और इसके 96 आएंगे, ये ऐसा फिक्स है यहाँ पर। तो कौन सा पैटर्न वहां पर सिलेक्ट कर किया जाता है एग्जाम में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो थैंक यू, देखते रहिए बीचैंप, ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आई हो। थैंक यू।